हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वन, आज आपके मैथ्स रिवीजन क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 3C और 3D बताऊंगी। 3C के पहले सवाल में तीन तीन नंबर को आपस में जोड़ना है, पर उन तीन नंबरों को जोड़ने से पहले जिस दो नंबर पर एरो बनाया है उन्हें जोड़कर बगल वाले खाली सर्कल में लिख लेंगे और अंत में उन दोनों को जोड़ने से जो नंबर बना था उसे बचे हुए नंबर को जोड़ देंगे। जैसे पहले सवाल में 5, 2 और 7 को जोड़ना है, पर पहले 5 और 2 पर एरो बना है, इसलिए पहले इन दोनों को जोड़ देंगे और इनको जोड़ने से जो नंबर आएगा वह होगा 7 और फिर इस 7 को जो दूसरा 7 है उससे जोड़ेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 14। इसे बेहतर तौर पर समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। जैसे अगले सवाल पर 5, 2 और 7 को ही जोड़ना है, पर पहले हम 2 और 7 को आपस में जोड़ेंगे क्योंकि उन दोनों पर एरो बना है, तो 2 और 7 को जोड़ने पर आएगा 9 और उस 9 को 5 से ऐड कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर होगा 14। अब अगले सवाल में हमें सिर्फ तीन तीन नंबर को साथ में जोड़ना है और यही काम हमें तीसरे सवाल में भी करना है और चौथे सवाल में भी हमें 3 की जगह 4-4 नंबर को साथ में जोड़ना है। यही जोड़ने का काम हमें अगले 5, 6 और 7 सवाल में भी करना है। तो बच्चों, तीन तीन नंबर को जहाँ भी जोड़ना होगा आप उन्हें पहले दो नंबर को आपस में जोड़ लेंगे और उनका जो रिजल्टेंट नंबर होगा आप उससे बाकी एक नंबर को जोड़ेंगे। इन दोनों के जोड़ से जो फाइनल नंबर आएगा वो आपका रिजल्ट होगा। वहीं जहाँ भी आपको 4 नंबर को आपस में जोड़ने कहा गया है वहाँ पहले शुरू के 2 नंबर को आपस में जोड़ लेंगे, फिर बाद के 2 नंबर को आपस में जोड़ेंगे और उन दोनों नंबर को जोड़ने से जो 2 नंबर आए होंगे उन्हें अंत में जोड़ के अपना फाइनल रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 के शुरू में हमें 4, 6, 8 और 1 को साथ में जोड़ने को कहा गया है, तो वह आप पहले 4 और 6 को साथ में जोड़ लेंगे और फिर 8 और 1 को साथ में जोड़ लेंगे। 4 और 6 को साथ में ऐड करने पर आंसर आता है 10 और 8 और 1 को साथ में ऐड करने पर आंसर आता है 9। अब अंत में आप 10 और 9 को साथ में ऐड कर देंगे और आपका फाइनल आंसर आएगा 19। अब हम एक्सरसाइज 3D को देखेंगे। इसमें आपको सिंपल सब्ट्रैक्शन का काम करना है। इसमें आपको तस्वीर को दिखाकर बताया गया है कि किस नंबर में से कितने नंबर को घटाना है। बस उसी को देखते हुए आपको हर सवाल में अपना आंसर लिखना है। जैसे पहले सवाल में कह रहा है कि आपके पास 18 गाजर हैं, उसमें से 6 गाजर आप किसी को दे देते हैं, तो आपके पास कितने गाजर बचेंगे। तो बच्चों, 18 में से 6 घटाएंगे तो आपके पास 12 गाजर बचेंगे और वहां 12 आंसर में लिख देंगे। यह सवाल आपने पहले भी बनाया है, उसी हिसाब से समझते हुए आप आज भी इसे पूरा बनाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।